आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ विशाल गोयल। इस समय मौजूद है 709 ए नेशनल हाईवे पर। जी हाँ, ये वही असंध का करनाल रोड है जो करनाल से जींद की तरफ ये रोड मार्ग जा रहा है। और इस समय आप मेरे ठीक बाई ओर देख रहे हैं जो कि नई सड़क, करनाल रोड की सड़क, जो कि असंध वासियों से जिसका इंतजार था पिछले काफ़ी समय से। टूटी हुई सड़क पर संपूर्ण असंध वासियों को गुजरना पड़ रहा था, वही असंध अब बन सड़क लगभग उसका काम शुरू हो चुका है। ये काम अभी असंध के नई अनाज मंडी के सामने नई सड़क का काम पहुंच चुका है और जो वर्तमान की आधुनिक मशीनें हैं उनके द्वारा ये काम इस समय अब जारी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार कड़ाके की ठंड के अंदर, सर्दी के अंदर इस समय काम जारी है और नई सड़कें किस प्रकार ये तैयार होने जा रही है। और खुशी की बात यही है कि असंध वासियों को जो धूल से गुजरना पड़ता था, जो खड्डों से गुजरना पड़ रहा था, वो धूल और खड्डे अब असंध वासियों को उस धूल खड्डे से मुक्ति मिलने वाली है और अब एक नई चमचमाती सड़क असंध वासियों को मिलने वाली है। इस प्रकार की जानकारी ऐसी मशीनों के माध्यम से जिस प्रकार काम चल रहा है उस प्रकार लग रहा है कि जो इंतजार था असंध वासियों को वो खत्म, इस इंतजार ये खत्म होने वाला है। तो उसी को लेकर इस समय आप तस्वीरों के माध्यम देख सकते हैं ये काम असंध के अंदर ये चला हुआ है सड़क का। तो इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीमान राजेंद्र जी जो कि इस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, इसके बारे में हमारे से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी। जी, आपको शुभकामनाएं कि असंध के अंदर जो काम रुका हुआ था पिछले कुछ समय से वो शुरू हो चुका है और जल्द ही सड़क बनने वाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम इसको विद इन वन मंथ जी इसको कम्प्लीट करने वाले हैं। हाँ, क्या कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कितनी कहाँ से कहाँ तक ये सड़क है, क्या कुछ लंबाई चौड़ाई? ये हमारी जींद से करनाल तक सड़क बननी है, 85 किलोमीटर की लेंथ इस सड़क की और ऑलमोस्ट हमने बिल्टअप एरिया को छोड़ के जैसे असंध जुंडला और अपना करनाल में चढ़ाव मोड़ से तक ये पेंडिंग वर्क है, बाकी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। जो असंध का पेंडिंग वर्क है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये असंध का पेंडिंग वर्क हमारी कोशिश है कि हम इसको एक महीने तक इसको कंप्लीट कर देंगे, जनवरी तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है जो बिजली विभाग की तरफ से कुछ है, पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पाइपलाइन वगैरह का काम अभी तेज़ी से चल रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके हम उसको कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। तो इसको लेकर इसकी कितनी चौड़ाई कितनी है सड़क की, उसके बारे में बता दें? ये हमारे इसमें जो जितने भी बिल्टअप एरिया हैं, जो शहर के पोर्शन है, वहाँ 4 लेनिंग है, बाकी 2 लेन है। 2 लेन की हमारी 10 मीटर वीड है, 4 लेनिंग हमारी 7.5 मीटर के 2 कैरिज में है, लेफ्ट और राइट के। उसके साथ में ब्लॉक वगैरह और का काम है। अभी ये जो सड़क है 7.5 मीटर इधर होगी, 7.5 मीटर उधर होगी, बिल्कुल के बीच में जो जगह बची है उसमें ब्लॉक वगैरह लगेगी। हाँ हाँ, जो ड्रेन के और रोड के बीच में जो जितने भी हमें स्पेस मिलेगा उसमें हम पे और ब्लॉक वगैरह लगाएंगे जी। तो डिवाइडर की कितनी डिवाइडर हमारा 1.5 मीटर का रहेगा, 1.5 मीटर का रहेगा। ऊंचा कितना होगा? 1 फीट ऊंचा रहेगा। हाँ, कहाँ से कहाँ तक होएगा इस करनाल रोड पर, कहाँ तक होएगा ये करनाल? जितने भी जहाँ भी 4 लेनिंग सेक्शन है वहाँ हर जगह डिवाइडर बनेगा। ठीक है, तो इसका लेकर अभी फर्स्ट लेयर ये डल रही है, कितने मीटर की फर्स्ट लेयर है, दूसरी लेयर? ये हमारी 85 mm की फर्स्ट लेयर है, उसके बाद 40 mm की हमारी बीसी की एक फाइनल लेयर आएगी, तो उसके बाद फाइनल हो जाएगा। अभी ये 85 mm की है, उसके बाद 40 mm की एक और लेयर आएगी। तो इसको लेकर अभी आज सर्दियों का मौसम है, जैसे कि ज़्यादा हीट चाहिए माल को, अच्छे माल को किस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल, बिटमन सुरक्षा के लिए टेम्परेचर मायने रखता है, तो इसीलिए हम अभी दिन में ही काम शुरू कर रहे हैं। जैसे थोड़ा वो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल होता है तो हम काम शुरू करते हैं, अदरवाइज हम काम बंद कर देते हैं। भविष्य में मतलब दिक्कत तो नहीं आएगी अभी ज़्यादा टेम्परेचर होने का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है वो जी। नालों को लेकर ज़्यादा परेशान है, जैसे असंध वासी हमने बातचीत की थी, जो नाले हैं कहीं ना कहीं खुले अभी तक छोड़ दिए गए हैं, काफ़ी समय से बंद नहीं हो रहे, वो कब तक कम्प्लीट हो जाएंगे? वो अभी टुकड़े हैं, वो पोलों इलेक्ट्रिक पोलों की वजह से वो टुकड़े बचे हुए थे, अभी इलेक्ट्रिक पोलों शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जैसे जैसे पोल शिफ्ट होते जाएंगे हम उनको शिफ्ट करते रहेंगे जी। और कट जो कट है जहाँ से एक रास्ता दूसरे रास्ते से जोड़ता है, मतलब गली का कोई कट है, वो भी अभी तक नहीं बनकर तैयार हुए हैं? वो अभी बस ये ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 10 दिन में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर गली के वगैरह कट वगैरह हैं, जहाँ जहाँ हमें स्पेस मिलेगा हम काम कर देंगे उसमें कोई। मतलब कुल मिलाकर 5 से 10 दिनों के अंदर जो असंध वासियों की दुकानदारों की परेशानी है वो 10 दिनों के अंदर दूर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, 99% हम दूर कर देंगे, कोई 2-4% रह सकती है, वो हम आने वाले टाइम में 10-15 दिन में हम खत्म कर देंगे उसकी। और किस मामले में अगर आप कुछ जानकारी देना चाहे भी इसका, उसको लेकर 5-7 दिनों में जो कमी आ रही है आमतौर पर, जो शिकायतें आपको भी पता है, वो कब तक दूर हो जाएगी, क्या क्या शिकायतें हैं आम लोगों की? बस यही शिकायतें हैं कि हमारी दुकानदारी थोड़ी प्रभावित हो रही है, तो ठीक से काम, हमारी दुकानदारी नहीं चल पा रही नालों की वजह से,
तो हमारी कोशिश है कि हम आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आम पब्लिक को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं काम को ख़त्म करने की। कुल मिलाकर अगले महीने तक काम कम्प्लीट हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगले महीने तक श्योर जी, बिल्कुल आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी अगले महीने के बाद। एक महीने के बाद कोई परेशानी होगी। और एक अंतिम प्रश्न आपसे रह गया, नाले की मोटाई को लेकर एक बार पीछे दिक्कत आ रही थी, कई जगह कम मसाले डाले जा रहे हैं, कम माल डालकर नाले की जो मोटाई है वो कम की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, कहीं हमने माल वगैरह ऐसा कोई कम नहीं डाला हमने, बल्कि जहाँ गली के रास्ते वगैरह थे, जहाँ लोगों का कोई हैवी व्हीकल आ रहा था, वहाँ हमने नालों की मोटाई बढ़ाई है, जो कि हमारे एग्रीमेंट में भी नहीं है। हमने आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए तो उनकी बढ़ाई है, तो मोटाई बढ़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक केस में कहीं देखने को मिला था पीछे वहाँ सालवन चौक पर, वह नाला मतलब बनने के बाद ही वहाँ टूटने लग चुका था, त्रेड़ वहाँ पर आ चुके हैं नाले में। कई बार वर्क इन प्रोग्रेस में कई दिक्कतें आ जाती है, कई एक दो जगह अगर ऐसा पॉइंट हुआ होगा तो हमने रिपेयर कर भी दिया होगा, वो उसका हो गया होगा। भविष्य में इस बार कोई दिक्कत ना आए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी जी। ठीक है जी, अगले महीने तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। तो असंद के अंदर जो कि करनाल रोड मार्ग है वहाँ पर इस समय काम चला हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। जो अभी ठेकेदार से हमने बातचीत करी कि एक महीने के अंदर अंदर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रकार की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कमियाँ थी इसके बारे में, हम जब ऑफ कैमरे में बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि कमियाँ काफ़ी आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ विभागों के कारण कमियाँ थी, कुछ प्रदूषण विभाग से परमिशन ना मिलने के कारण कुछ कमियाँ थी। तमाम तरह की अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, कमियाँ को मानते हुए ये कह रहे हैं कि अगले एक महीने में काम कम्प्लीट हो जाएगा, अगले महीने तक अभी करनाल रोड जो करनाल मार्ग है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब तक ये काम कंप्लीट होता है और कितनी मजबूती से काम कंप्लीट होता है। आप सभी का कोई प्रश्न है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कब किस प्रकार का काम बनकर तैयार होता है। विधायक शमशेर सिंह गोगी जी ने इनसे बातचीत करी इसको लेकर, तब से जाकर काम में कुछ तेजी आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम इनसे फ़ोन पर भी संपर्क करते रहेंगे अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई शिकायतें हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।